तो एक समय जब कांग्रेस में थे कितना कोसते थे बीजेपी को, मोदी क्रिटिक मोदी विरोधी थे या नहीं थे बताइए आप, आपके कितने वीडियोस वायरल हैं जब कांग्रेस में थे तो राहुल और प्रियंका आपको कैसे लगते थे उस समय? इनको राजनीति में नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, पर वो बोलते थे कि छोड़ दो मुझे बुलाना, आप अपने सबसे बड़े नेता की कुर्सी अगर छीनना चाहेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष की, तो मैंने आप कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे ना, शहजाद लिखते हैं आप और आगे लिखते हैं पूनावाला, पूनावाला से सबको ये इंप्रेशन मिलता है कि ये पुणे के वो अरबपति घराने के पूनावाला है। वैसे मेरा ओरिजिनल सरनेम जो है हमारे परिवार का जमादार, कई लोग मुझे फोन करते थे कोविड में और बोलते थे वैक्सीन दिला दो, मैंने बोला भाई वो मैं नहीं हूँ। तहसीन पूनावाला आपके जो भाई हैं उनकी शादी हुई मोनिका वड्रा से और मोनिका है रॉबर्ट वड्रा की कजन, आप नाचे थे? मैं तो बिल्कुल नाचा था, मेरे भाई की शादी थी। दो भाई कैसे अलग हो जाएंगे राजनीति के लिए विचारधारा के लिए? महाभारत तो फैमिली के बीच में ही तो हुई थी, नमाज पढ़ते हैं मस्जिद जाते हैं, हमारे यहाँ पे दुआ पढ़ते हैं तो मैं बिल्कुल दुआ पढ़ता हूँ। बीजेपी को तो एंटी मुस्लिम पार्टी माना जाता है। देखिए बीजेपी के बारे में धारणा बनाई गई है जानबूझकर। शहजाद यार तुम बीजेपी में क्यों चले गए? हाँ नहीं वो तो क्यों चले गए बीजेपी में, ये तो हमसे हमारे खिलाफ रहते हैं। इस देश का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता कौन सा है, सबसे बड़ा हिंदू चेहरा कौन सा है, सबसे तेज प्रवक्ता संबित पात्रा भी कह सकते हैं, देश का सबसे झूठा नेता कौन सा है? अरविंद केजरीवाल। राहुल या प्रियंका या सोनिया, बेहतर नेता कौन? सोनिया। भाई और बीजेपी में से चुनना हो तो? बीजेपी। रॉबर्ट वाड्रा, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी जीजाजी को चोर बताती है। वरुण गांधी। वरुण जी ये गूगली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का, जो कि अब बीजेपी के टीवी पर गरजने वाले सबसे तेज तरार प्रवक्ताओं में से एक हैं। पहले कांग्रेस में थे, खुद एक टीवी न्यूज एंकर भी रह चुके हैं, उससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, बहुत सारी हैट्स पहनी है शहजाद पूनावाला ने। आज आपके साथ चाय पर आपके बारे में बात होगी। बिल्कुल, और आज हम लोग चाय के बदले प्रोटीन शेक पर भी चर्चा कर सकते थे क्योंकि आप और मैं दोनों जिम और वर्कआउट करने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, तो किसी दिन प्रोटीन शेक के ऊपर भी चर्चा। आपने गलत कर दिया, अब तुलना होने लगेगी, मैं आपके सामने कहीं स्टैंड नहीं करूंगा। नहीं, पर आपकी फिटनेस जो है मानक जी, मैं समझता हूँ कि देखिए अलग अलग लोगों की बॉडी टाइप्स अलग अलग होती है। मैंने बचपन से ही हार्डकोर वेट लिफ्टिंग की है, हार्डकोर। ओके, अच्छा मैं इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। माय फादर पास्ड अवे एट अ वेरी यंग एज, मतलब जब मैं 5 साल का था तब पिताजी चल बसे, एंड फर्स्ट हार्ट अटैक में ही उनका देहांत हो गया। तो तहसीन और मैं, उस समय पे तो हम लोग ठीक थे हमारे रिश्ते, तो तहसीन और मैं हम लोगों ने एक निर्णय किया कि हम फिटनेस के प्रति बहुत सजग रहेंगे, और इसीलिए तहसीन भी मुझे जहाँ तक जानकारी है याद है वो भी स्मोक नहीं करते, ड्रग्स नहीं कभी, ये हम शराब भी नहीं और कभी हम लोग लेते भी नहीं है फिटनेस के लिए, और जिम जाना रेगुलरली और एक्सरसाइज करना। हालांकि अब मेरी जो फिटनेस है उस पर थोड़ा सा मुझे लगता है और ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि चुनाव के समय पर फिटनेस पीछे हो जाती है। अरे अब तो आप तमाम, आपने वो तहसीन का जिक्र करके अच्छा किया, अब दर्शकों को टीजर मिल गया है। शहजाद और तहसीन का झगड़ा कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस पर बाद में आऊंगा। पहले मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं, क्या पूरे भाजपाई एकदम मन से दिल से तन से मन से हो गए हैं या अभी भी कुछ पुराने कुछ रिमेन्स बाकी है? मानक जी मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी मैं कांग्रेस में भी था ना तो तब भी मेरे जो सबसे फेवरेट उस समय के लीडर हुआ करते थे, जब मैंने जस्ट शुरुआत की थी राजनीति में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, तब वाजपेयी जी हुआ करते थे। कांग्रेस इसलिए ज्वाइन की, मैं आपको बताता हूँ, पहले तो हमारी जो पूरी कम्युनिटी है या मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हमेशा कांग्रेस इंक्लाइंड रही है। उसके अलावा जो हम हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, स्कूल से निकला था उस समय पर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में केवल एक ही परिवार और एक ही पार्टी का योगदान पूरे आज़ादी के आंदोलन में आपको समझ में आता है। तो आपको लगता है कि चलिए अगर कांग्रेस पार्टी ने इतना कुछ किया है देश की आज़ादी के लिए, तो उस प्लेटफॉर्म को या उस व्हीकल को यूज़ करते हुए देश निर्माण और देश के लिए सेवा करने के लिए आप उसमें जुड़िए, तो उसको आप ज्वाइन करते हो, परंतु वहाँ की वास्तविकता बहुत अलग है। और उस समय पर भी मानक जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप तो मेरी पूरी जर्नी में एक प्रकार से आपने लंबे समय तक देखी है मेरी जर्नी, गवाहों में आप गवाह है। जब मैं कांग्रेस में भी रहता था तब मैं, मेरी उनसे दिक्कत यही रहती थी कि मेरिट के आधार पर आप तय कीजिए, प्रवक्ता बनाना हो या अध्यक्ष बनाना हो मेरिट के आधार पर होना चाहिए। दूसरी बात कि हमारी विचारधारा क्या है, हम उसके प्रति एक प्रकार से क्लियर रहे। और तीसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी में केवल जो मुझे लगता है कि
छोटे फायदे के लिए आप बड़ा नुकसान कर देते हैं देश का या राष्ट्रीय हित का, ये नहीं होना चाहिए। ये तीन विषय मैं राहुल गांधी को लगातार लिखता भी था पत्र में, कांग्रेस में रहते हुए ऑफिस बेरर रहते हुए, और इसका मुझे बहुत नुकसान भी हुआ है और बहुत सारे लोगों को पता है जिनके साथ मैं अटैच्ड भी रहा हूँ मेरी करियर में, उनको भी पता है कि कांग्रेस पार्टी में सच बोलना, पार्टी के फोरम के भीतर भी उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बनाया कांग्रेस ने, जबकि मेरा चांस होना चाहिए था और मेरा नाम आगे था सबसे। रणदीप सुरजेवाला जी और मैं एक समय पर साथ में ट्रेनिंग किए थे, 15 GRG में उसकी ट्रेनिंग हुई थी प्रवक्ताओं की। अब किसी कारणवश, क्योंकि मैं जो बहुत सारी बातें राहुल गांधी को लिखकर बोल देता था और बोलता था कि देखिए हमें परिवार के आधार पर नहीं मेरिट के आधार पर तय करना चाहिए, तो ये बात शायद हो सकता है कि उनकी कोटरी को पसंद नहीं आई। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया, फिर भी मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। आपने ज्वाइन कब किया था कांग्रेस? 2007-08 में NSUI से शुरुआत की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, कॉलेजेस में मुद्दे उठाना, उसको फिर हाईलाइट करके ले जाना NSUI के प्लेटफॉर्म पे ले आना, यहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। और कितने साल रहे आप कांग्रेस में? 2007 से 17, तो 10 साल, 10 साल। और बीजेपी आपने ज्वाइन किया 21 नवंबर 2020। बहुत सारे लोगों को लगता है तो वैसे भी बीजेपी का मुस्लिम चेहरा, आधुनिक चेहरा, युवा चेहरा, तेज तर्रार चेहरा। अच्छा है आपने ये कहा कि पसमांदा मुस्लिम चेहरा, मतलब वो भी आप जोड़ सकते थे, पर मेरा कहने का तात्पर्य केवल ये है कि देखिए बीजेपी, मेरा सवाल दूसरा था, मेरा सवाल ये था कि आप पूरी तरह से मतलब अब भाजपा में आप सेटल हो गए या भाजपा ही बन गए ना, अब मतलब ये है ना कि देखिए जो मुझे लगता है कि जो नेचुरली मेरा इंक्लिनेशन था वहीं पर मैं आ चुका हूँ। okay. तो जो मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन था कि मेरिट के आधार पर तय होनी चाहिए चीजें, ये भारतीय जनता पार्टी में मुमकिन। पर आप तो एक समय जब कांग्रेस में थे कितना कोसते थे बीजेपी को, मोदी क्रिटिक, मोदी विरोधी थे या नहीं थे, बताइए आप, आपके कितने वीडियोस वायरल हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब आप किसी पार्टी का हिस्सा रहते हैं, आप आज एक चैनल में हैं, न्यूज 24 में हैं, आप उसकी एडिटोरियल लाइन को फॉलो करेंगे ना। आप कल मान लीजिए कि कोई और चैनल ज्वाइन करेंगे तो फिर आपकी एडिटोरियल लाइन वहाँ पर डिफरेंट होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो कोर बिलीफ्स है उससे आपने समझौता किया। आपकी कोर बिलीफ आज भी ये है कि मैं पत्रकारिता के प्रति ईमानदार रहूँ, तो इसीलिए मैं अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से ईमानदार था। मुझे जो भी लगता था कि इसमें ये ठीक नहीं है, मैं पार्टी के फोरम के भीतर इसको रखता था। okay. कभी भी अनुशासनहीनता मैंने नहीं की। हाँ, पर जब पानी सिर के ऊपर से चढ़ गया और ऊपर चला गया, तो फिर उसके बाद एक निर्णय करना पड़ा और वो निर्णय मैंने किया। नहीं मतलब वो जो वीडियोज आपके कुछ वायरल हैं जिसमें आप वाकई नजर आते हैं कि आप मोदी जी से सहमत नहीं थे, उनका विरोध करते थे और खुलकर करते थे। नहीं, अब जैसे आपके विरोधी भी आपको वीडियो दिखाते हैं, भैया ये देखो उस टाइम तो आप ये बोलते थे, कई बार तो लाइव शो में हो जाता है हमारे साथ। वो तो मैं अच्छा है, मैं तो देखिए वीडियो अभी मैं अपना, तो आप ये कह रहे हैं कि उस टाइम जब आप विरोध करते थे तो वो कांग्रेस की एक लाइन थी जो आपको लेनी पड़ती थी। बिल्कुल, वो कांग्रेस की लाइन थी। आप कांग्रेस के तरफ से अगर कहीं पर रिप्रेजेंट कर रहे हो या कांग्रेस की तरफ से आप बात रख रहे हो, तो नेचुरली आप जो कांग्रेस की बातें हैं या कांग्रेस की टॉकिंग पॉइंट्स है उसको बोलेंगे। और मैं तो इनसे पूछता हूँ, चलिए मैं तो एक प्रवक्ता के रूप में आता जाता था और बातें रखता था, आपकी तो पार्टी का जन्म कांग्रेस के खिलाफ हुआ, करप्शन को लड़ने के खिलाफ। आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, केजरीवाल जी लिस्ट लेकर घुमा करते थे, आज वो उनके साथ बैठे हैं, लालू, मुलायम, कांग्रेस, राहुल, सोनिया जी जेल में डालने की बात करते थे। अब वहां पे उनको नहीं दिखता कि किसके स्टेटमेंट तो थे। मतलब आपका राहुल गांधी की पार्टी ने डीएमके को राजीव गांधी का हत्यारा माना है, आज वो डीएमके के साथ, वो 27 साल यूपी बेहाल करने के बात की थी सपा और बसपा के साथ, आज वो सपा के साथ, हालांकि तो उनके रिश्ते क्या चल रहे हैं। मैं मेरा सवाल ये था मतलब कि आप मोदी विरोधी थे उस समय, और क्या आपका हृदय परिवर्तन हुआ है? मैं हमेशा से कुछ बुनियादी मुद्दे उनको लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करता था। आज भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करता हूँ बुनियादी मुद्दों को लेकर। मुझे लगता है उस समय पर मेरी मजबूरी ये थी कि कांग्रेस की कुछ बातों से जब मैं इत्तेफाक नहीं भी रखता था, तब भी उन बातों को इसीलिए डिफेंड करना पड़ता था क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। ओके, समझ। और मैंने अपनी पूरी कर्तव्य को बिना किसी फॉल्ट के मैंने निभाया उस समय पर। पर आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जब आप सही जगह पर घर आ गए, मतलब हाँ एक तरीके से कह सकते हैं क्योंकि जो आपके मन में हमेशा से बातें थी कि देश सबसे पहले, और देश पार्टी से भी पहले, देश परिवार से भी पहले, देश बाकी चीजों से पहले, okay. दूसरा की मेरिट के आधार पर,
केवल काबिलियत के आधार पर चीजें तय हो। पर तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में तो ये नेचुरल ही पोजीशन है। ठीक है, पर अब आप अपने आप को नेहरूवादी बताते थे, अभी भी आप क्या नेहरूवादी नेहरूवियन हैं? कैसे नहीं हो सकते, देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पर नेहरूवादी होने का मतलब ये नहीं है मानक जी कि नेहरू जी की हर चीज पर हम केवल उनकी वंदना करें। नेहरू जी ने 5 अच्छी चीजें की, परंतु उन्होंने कश्मीर को मिसहैंडल किया। तो कश्मीर के मिसहैंडलिंग पर अगर नेहरू जी पर सवाल खड़े किए जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गैर नेहरूवादी हो गए। और मैं मोदीवादी भी हूँ, मैं वीपी सिंह वादी भी हूँ, मैं चंद्रशेखरवादी भी हूँ, मैं गौड़ावादी भी हूँ, मैं सारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वादी भी हूँ। अच्छी बातों को आप अपने अंदर लेकर होना ही चाहिए। क्या कांग्रेस वाले ये कहना चाहते हैं कि वो मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते? मैं तो नेहरू जी को मानता हूँ कि पहले प्रधानमंत्री थे, परंतु आप क्यों मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते, ये सवाल बनता है। चलिए अब मैं दोबारा से आपको आपके शुरुआती करियर में ले जाना चाहता हूं। आपने कहा 2007-08 में आपने कांग्रेस ज्वाइन किया था। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने और तहसीन ने एक साथ सुरेश कलमाडी के लिए काम किया था एज एन इंटर्न, वहां पर आपने राजनीति सीखी थी, क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। तहसीन पूनावाला और मैं अलग अलग एंटिटीज है। तहसीन पूनावाला का बिजनेस भी है, उसके वो रेस्टोरेंट बिजनेस में शामिल हुए, उसके बाद वो पूना में काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटी के रूप में वो उस समय पर भी थे, यंग थे। और इसीलिए जो कलमाडी जी थे उस समय सांसद थे कांग्रेस पार्टी के, उनके परिवार का और तहसीन के परिवार का बहुत निकट का रिश्ता है, आज भी शायद उनका बहुत निकट का रिश्ता है। तो उस समय पर कॉमनवेल्थ गेम्स पुणे में हो रहे थे तो तहसीन उनके साथ जुड़ा था। अच्छा, आप नहीं थे? मैं तो 2007-08 में तो मैं कॉलेज में था, और जब फिर कॉलेज खत्म करके मैं निकला तो 22-23 की आयु में किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मैं उत्तर प्रदेश में था 2012 में यूपी कांग्रेस का चुनाव देखने के लिए, और उस समय पर कुछ मेरे, मैं कह सकता हूँ, मित्रगण मेरी ही पार्टी में जो मेरा हमेशा से पैर खींचने के लिए उतारू रहते थे, उन्होंने मेरे खिलाफ ये पूरी स्टोरी कनकॉक्ट करके एक अखबार में छपवाई, और उसके खिलाफ मैंने फिर मानहानि का दावा का, कलमाडी वाली, हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैंने उस समय पर नोटिस भी भेजा, वो स्टोरी फिर विड्रॉ कर दी गई। अच्छा, परंतु अब ऐसा है कि वो लोग मुझे टारगेट करते हैं, टारगेट करने का सवाल नहीं, मैं तो कांग्रेस वालों से पूछता हूँ कि कांग्रेस बताए ना आज तक उन्होंने कलमाडी जी को निकाला है पार्टी से? अगर कलमाडी, इसके बाद एक और चीज मैंने पढ़ी है कि आपने और तहसीन ने दोनों ने तेजस्वी यादव के लिए भी कुछ काम किया है। तेजस्वी यादव के लिए नहीं किया, उस समय पर कांग्रेस के साथ होते हुए कांग्रेस और आरजेडी और बाकी सारे दलों का एक वो, जब नीतीश ने साथ छोड़ दिया था बीजेपी का उस समय पे। okay. तो उस समय पे कांग्रेस पार्टी और लालू जी की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी सभी साथ आ गए थे। okay. तो उस समय पर थोड़ा सा सोशल मीडिया का काम, अच्छा, मुझे लगता है वहाँ पे कोई रैली हो रही थी, एक पूरी रैली कर रहे थे तीनों पार्टियां मिलकर, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरी काफ़ी स्ट्रेंथ है और तहसीन की भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, तो उस लिहाज से गए थे। और क्योंकि फिर से तेजस्वी यादव और तहसीन का एक मतलब फ्रेंडशिप था, तो उस हिसाब से इसमें कोई वो नहीं था कि तेजस्वी के साथ कोई अटैच थे या पर आपने और तहसीन ने तो मोदी सरकार के खिलाफ एक लंबी चौड़ी मुहिम चलाई थी, जहां तक मैंने अपनी रिसर्च में देखा है और मैंने कुछ देखा भी है, आपने काफी मुहिम चलाई थी दोनों ने मिलकर एक टाइम पर, क्योंकि वो भी कांग्रेस सिंपथाइजर रहे हैं हमेशा और आप भी उस टाइम कांग्रेस में थे। और मैं आपको बताता हूं कि अभी जो 3 नए कानून क्रिमिनल लॉज आए गए हैं उसमें लिंचिंग का डाला गया है, और मैं तो आज भी कहता हूं, आपने मांग की थी ना मॉब लिंचिंग पर, मॉब लिंचिंग पर कानून, और मॉब लिंचिंग पर कानून किसी राज्य सरकार ने नहीं बनाया, ये कांग्रेस वाले लिंचिंग को लेकर इतना माहौल बनाते हैं, बोलते हैं कि मुस्लिम्स आर बीइंग लिंच्ड, मुस्लिम्स जो है उनकी लिंचिंग करते हैं, जय श्री राम बोलकर लिंचिंग होती है, सारा नैरेटिव ये चलाते हैं ये प्रस्तुत करने के लिए कि हिंदू लिंचर होता है और मुसलमान पीड़ित होता है। जबकि डेटा मैंने उनको ये भी दिया था कि 200 ऐसी लिंचिंग्स है कम से कम देश में, जहां पर मुस्लिम भीड़ ने हिंदू को नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू में भी दलितों को लिंच किया। ये उस टाइम दिया था आपने डेटा? उस समय से भी, क्योंकि हमारा काम ये था, हमारा कहना ये था एक कानून बनाया, लिंचिंग को कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखे, इसको आप कम्युनल एंगल मत दीजिए, और ये कम्युनल एंगल देते थे। तब उनको कहा गया कि भाई साहब लिंचिंग तो जम्मू कश्मीर में भी एक व्यक्ति की हुई, और वो भीड़ करने वाली मुसलमान भीड़ थी, राजस्थान में खेताराम भील ने की लिंचिंग हुई,
उसको करने वाली मुस्लिम भीड़ थी okay. और चंदन से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लिंचिंग मुस्लिम भीड़ के द्वारा हुई, तो उस समय पर ये लोग चुप हो जाते थे क्योंकि इनका एजेंडा केवल ये था कि लिंचिंग करने वाले केवल हिंदू होते हैं और लिंच जो होते हैं वो केवल मुस्लिम होते हैं, ये नैरेटिव बनाने अच्छा, आपको उसके खिलाफ हूं। ठीक है, आपको पॉलिटिक्स में लाया कौन था? कांग्रेस में जब आप आए थे तो कांग्रेस में कैसे एंट्री हुई थी? कांग्रेस में मेरी एंट्री ऐसे हुई कि मैं जैसे स्कूल में मैं थोड़ा सा प्रभावित हुआ कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। तो स्वयं से मैंने NSUI में पहले तो सदस्यता ली, NSUI में काम करने लगा वहाँ पे ठीक ठाक, कहाँ? पुणे में। और फिर वहाँ से मैं हर 3 या 4 महीने में हमारी छुट्टियाँ होती थी कॉलेज की या स्कूल की या जो भी, तो मैं अपनी 3-4 महीने की सैलरी जो पॉकेट मनी जो है सैलरी हाँ। पॉकेट मनी बचाता था और वो पॉकेट मनी इकट्ठा करके मैं दिल्ली आता था और 1 महीने मैं आपको बताता हूँ PG में घर लेता था अर्जुन नगर में, और अर्जुन नगर से वहाँ से 610 नंबर की ब्लू लाइन की बस हुआ करती थी, वो बस लेकर मैं जनपद रोड तक जाता था क्योंकि उस समय तो मेट्रो वगैरह नहीं थी, तो जनपद पर पहुंचता था और जनपद रोड सोनिया जी के घर पे शायद वहाँ आसपास में बस स्टॉप है वहाँ पे, वहाँ से उतर के फिर चलते हुए 24 अकबर रोड जाता था, और 24 अकबर रोड में मैंने स्वयं जाके वहाँ पे लोगों को कहा, उस समय टॉम वड़क्कन जी सेक्रेटरी होते थे AICC के, जनार्दन द्विवेदी जी मीडिया हेड होते थे, उनसे मैंने जाकर स्वयं कहा कि मैं पुणे से हूँ, मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, मुझे मीडिया में काम करने का इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पर आकर मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना मुझे आपसे कोई सैलरी चाहिए, ना मुझे कोई स्टाइपेंड चाहिए, ना सर्टिफिकेट चाहिए, मैं आकर काम करूंगा मेरी विचारधारा के लिए और मुझे जो ठीक लगता है उसके लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो मेरी लैंग्वेज टॉम वड़क्कन जी, जनार्दन द्विवेदी जी, सब लोगों ने okay. फिर उसके बाद मैं वहाँ के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे उनके साथ भी अटैच हुआ, एसोसिएट okay. हुआ, काम करने लगा, उनको भी मुझ में टैलेंट दिखा, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया काम करने का, और इस प्रकार से मेरी जो है राजनीतिक एंट्री हुई। तो ये सब अपने ही हाथों से बिल्ड किया गया है और कोई ओवरनाइट बिल्ड नहीं हुआ, ये इसको वर्षों लग गए। आपने कांग्रेस के 3 नेताओं के साथ जिनका नाम मेरी रिसर्च में आया उनके साथ आपने काम किया क्लोजली, आपने दिग्विजय सिंह, मनीष तिवारी और राजीव शुक्ला, इन 3 के साथ काम किया, करेक्ट? तो इनके साथ आपने असिस्ट किया और राजनीति सीखी? बिल्कुल, तीनों में बहुत सारे गुण थे जो मैंने सीखे और मैं आज भी आजमाता हूँ उनको। एक तो मनीष तिवारी जी की जो बोलने की क्षमता है, ही इज वेरी आर्टिकुलेट और बहुत ही, वो जैसे PC के लिए, वो अधिकतर PC करते थे कांग्रेस के लिए उस समय पर, 4 बजे की उनकी PC होती थी, 4 बजे से पहले वो 3, 3:30 बजे या 2:30 बजे जो है वो लिखना शुरू करते थे कि आज क्या क्या बोलना है, और सारा कुछ नोट करके जाते थे ताकि एक भी शब्द इधर उनका इधर से उधर ना हो। आप आज भी उनकी बाइट अगर सुनेंगे, बहुत सधे हुए शब्दों में बोलते हैं और उनका वैसे ही वो बहुत वेल रेड पर्सन है, वो जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा पढ़ते हैं, ये भी मैंने उन्हीं से सीखा है कि जितना बोलो उससे ज़्यादा पढ़ो तब जाकर आप कायदे का कुछ बोलोगे। दूसरा दिग्विजय सिंह जी, जहाँ तक है दिग्विजय सिंह मास लीडर है, मतलब कि उनका जनता के साथ इंटरेक्शन जो है वो बड़ा फ्री है, कोई भी आ जाता है उनके दर पर तो वो उनकी मदद सहायता करते हैं और वो उनकी बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ उनसे सीखी कि देखिए पॉलिटिक्स में जब आप आते हैं तो कई बार क्या होता है कि इतने कट थ्रोट हो जाते हैं हम लोग कि वो बेसिक मानवता वाला अंश जो है ना हम में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम हर समय स्पर्धा में रहते हैं, उस प्रतिस्पर्धा के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो दिग्विजय सिंह जी से ये जरूर मास कनेक्ट मतलब पीपल टू पीपल कनेक्ट, मास कनेक्ट का मतलब ये है कि जो भी उनके घर पे आता है उनको वो किसी ना किसी प्रकार से मदद करने की व्यक्तिगत रूप से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और तीसरा मैंने राजीव जी से ये सीखा, राजीव जी में जो मैंने गुण सीखे वो कैसे एक तो मीडिया से लेकर बाकी पार्टी के कामों को कैसे वो मैनेज करते हैं, हमेशा हसमुख रहते हैं और अक्रॉस द पार्टी लाइंस, ऐसा नहीं है कि राजीव जी के मित्र केवल कांग्रेस में होंगे, राजीव जी के उतने ही घनिष्ठ मित्र BJP में होंगे, अन्य दलों में होंगे। तो एक अगर आपका लक्ष्य है कि देश के लिए कुछ करना है तो कैसे सामने वाले को अपना केवल विरोधी सबको साथ लेकर चलना, हाँ, शत्रु नहीं समझना, उसको भी कैसे आप इन्वॉल्व करके अकोमोडेटिव स्पिरिट से काम कर सकते हो और काम करवा सकते हैं, ये गुण राजीव जी में मैंने सीखा। आपको ऑड नहीं लगता दिग्विजय सिंह की, आपको ये बात पसंद आती है पर्सनल कनेक्ट वाली, और आपकी पार्टी तो दिग्विजय सिंह को दिन रात कोसती है, उनको इतना ट्रोल करती है, ओसामा जी और पता नहीं क्या क्या और मुस्लिम दोनों का कोई कनेक्ट नहीं है ना। देखिए वो अगर तुष्टिकरण के लिए
ओसामा को ओसामा जी बोलेंगे या हिंदू आतंक कहेंगे तो निश्चित रूप से हम उनको कोसेंगे और निश्चित रूप से हम कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की मानसिकता को दिखाएंगे। वो पर इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्तिगत जिंदगी में दिग्विजय सिंह एक बुरे आदमी है या बुरे व्यक्ति है। तो मुझे लगता है कि वो डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना या वो डिफरेंस करना दोनों वो करना चाहिए। जब कांग्रेस में थे तो राहुल और प्रियंका आपको कैसे लगते थे उस समय? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राजनीति, उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज। मैं तब भी सोचता था कि इनको राजनीति में नहीं होना चाहिए। उस टाइम भी सोचते थे? और अब मैं बताना नहीं चाहता, कई मेरे जो लीडर्स मेरे साथ बातचीत करते थे मैं तो उनको मुंह पे भी बोलता था कि क्यों हम लोग इनसे बंधे हुए हैं। पर खुश तो लगते और थे आप उस समय कांग्रेस में? खुश तो मैं हमेशा लगता हूँ। देखिए ऐसा है कि अगर आप अपने नेता से खुश नहीं है तो फिर आप कैसे खुश रह सकते हैं? देखिए ऐसा है कि पार्टी जो होती है वो हमेशा आप उसको एक परिवार की तरह समझते हैं, हालांकि उन्होंने परिवार को ही पार्टी मान लिया है, पर आप तो उसके अंदर परिवार की तरह एक सदस्य की तरह जुड़ते हैं। आपके परिवार में कोई खटपट होगी मानक जी तो आप क्या बाहर जाकर बोलना शुरू कर दोगे तुरंत? तो आपने राहुल प्रियंका को कभी खुद डायरेक्टली ये बात कही थी कि परिवार पार्टी ना चलाए और उसको तो एबिलिटी के हिसाब से क्षमता के हिसाब से खोजना पड़ेगा, मेरे सारे ईमेल्स और लेटर्स में बोली है बात, बोला है। इसीलिए तो मुझ पर इन्होंने इस प्रकार से मुझे साइडलाइन करना, और आप तो खुद जानते हैं कैसे साइडलाइन करते थे, कई बार इतनी छोटी और ओछी हरकतें करते थे कि वो फ़ोन करते थे चैनल्स को और कहते थे कि शहजाद को डिबेट में नहीं बिठाना है, जबकि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में अगर नहीं भी जाता क्योंकि मैंने लीगल स्टडीज़ की है, मुझे लीगल नॉलेज है और मैं कई बार एक्टिविज्म के रूप में मैं इश्यूज़ को उठाता था, तो अगर मैं चैनल पर जाता था और वहाँ पर एक एक्टिविस्ट के रूप में बैठा हूँ, ना कांग्रेस को कुछ कह रहा हूँ ना कुछ बोल रहा हूँ, चैनल ने निर्णय किया मुझे बुलाने का, वो फ़ोन करते थे मीडिया डिपार्टमेंट से कि आप अगर इनको बिठाएंगे तो हम आपको कांग्रेस का गेस्ट नहीं देंगे। वो तो इसलिए ना क्योंकि आपने सीधे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनौती दी। नहीं, ये इससे पहले की बात कर रहा हूं मैं, 2017 से पहले की, जब मैं कांग्रेस में था तब की बात कर रहा हूं मानक जी। अच्छा उस समय पर आपके और हमारे एक बहुत करीब मित्र जो हमारे बीच में नहीं है, रोहित सरदाना, वो मुझे बुलाते थे चैनल पे, और ऐसे कई सारे मित्र शायद हमने भी कई बार आप भी बहुत बुलाते भी आपने कई शो किए तो आप भी बुलाते थे, और वो तो उनको फोन करके बोलते थे कि ऐसा इसको मत बुलाओ, हम आपको बेस्ट से बेस्ट कांग्रेस प्रवक्ता दे देंगे, इसको मत बुलाओ। लेकिन एक बात बताइए, पर वो बोलते थे कि छोड़ दो मुझे बुलाना है, मैं सबसे बड़े नेता की कुर्सी अगर छीनना चाहेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष की, उस समय तो मैंने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे ना। एक सेकंड, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना घटनाक्रम, ये 2017 के पहले मान लिया, मैंने मान लिया, ठीक है। तो ये तो कांग्रेस की असहिष्णुता का प्रमाण पहले से मिलता है। 2017 में, जो दिसंबर 2017 में कांग्रेस पार्टी के चुनाव के नाम पर ताजपोशी हो रही थी, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे अध्यक्ष बनाओ। अच्छा, अब तो खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, वो खुद बोलते हैं कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने बनाया है, और खुद शशि थरूर जी ने भी माना कि किस प्रकार से चुनाव हुआ वो तथाकथित चुनाव। मैंने ये कहा उनसे, जो गुलाम नबी आज़ाद ने भी उस समय बात को माना, कि कांग्रेस में कभी चुनाव होते ही नहीं है, ये चुनाव की तरह दिखाया जाता है। जैसे नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया भी अपने नाम के आगे क्या लगाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया है क्या? वो नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक है या रिपब्लिक है? चाइना भी लगाता है डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक, वैसे कांग्रेस भी ये सारे एक्रोनिम्स लगा देती है, पर है नहीं। उसमें चुनाव जो होता है कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसमें डेलीगेट्स जो है वो अध्यक्ष के लिए चुनाव के लिए वोट देते हैं, डेलीगेट्स चुने जाने चाहिए हर स्तर पर, डेलीगेट्स को। अच्छा, आप चाह रहे थे कि चुनाव हो ढंग से हो, ढंग से हो। अच्छा। परंतु वहां पर क्या हुआ कि आप नहीं लड़ना चाहते थे? मुझे नहीं लड़ना था, मैं कह रहा था किसी को लड़ने दो पर चुनाव हो, चैन ना हो, ताजपोशी ना हो। okay. उस समय पर जो मैं प्रोसेस की बात कर रहा था, वही प्रोसेस अगर फॉलो की जाती तो मुझे कोई समस्या नहीं थी, और वो प्रोसेस नहीं फॉलो हुई, ये शशि थरूर जी ने भी बताया। आपने देखा जब शशि थरूर वर्सेस खड़गे जी हो रहा था, कितने नेता आगे खड़गे जी का ओपनली स्टैंड ले रहे थे, सीडब्ल्यूसी के सदस्य। अच्छा, सीडब्ल्यूसी में एक लास्ट पॉइंट पे बोलूं, सीडब्ल्यूसी भी जो है कांग्रेस के संविधान के हिसाब से, सीडब्ल्यूसी में कई सारे सदस्यों का चुनाव से वो सीडब्ल्यूसी में मेंबर बनते हैं। प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की पावर कुछ सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को है, बाकी चुनाव से आते हैं। सीडब्ल्यूसी का चुनाव हुआ है क्या? अभी जो बनाए सीडब्ल्यूसी के सदस्य अलका लांबा और सारे लोगों को लिया है, वो कौन सा चुनाव हुआ बताइए ना। ओके, कांग्रेस और चुनाव अलग अलग दिशा में है, कांग्रेस और लोकतंत्र अलग अलग। मतलब वही ब्रेकिंग पॉइंट रहा ना, जब वो अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ही आपने सवाल उठा दिया, उसके बाद फिर क्या आपको पार्टी ने निकाला या आपने खुद छोड़ा? देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी से कहा कि यदि ये सारी चीजें, जैसे तीन मेन चीजें थी कि चुनाव होना चाहिए ना कि चैन या ताजपोशी, दूसरा हमारी आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी होनी चाहिए,
जिसमें एक इशू ये था कि हम राष्ट्रहित को के साथ समझौता नहीं कर सकते राजनीति के लिए, राजनीति कैन नॉट बी अबव राष्ट्रनीति। और तीसरा ये है कि मेरिट के आधार पर, काबिलियत के आधार पर आप तय कीजिए कि किसको कहाँ पे कहाँ जगह देनी है। अगर ये तीन चीज़ नहीं कर सकते तो आप समझिए कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता। और उन्होंने भी फिर मुझे हर ग्रुप से और हर जगह से बाहर निकाल दिया। वो तो मोदी जी ने भी तो जिक्र किया था शायद रैली में, हाँ, आपका नाम लिया था। व्हाट्सएप बताइए, इतनी छोटी सोच है, इतनी असहिष्णुता है, और वो असहिष्णुता और इमरजेंसी वाला डीएनए जो है ना वो आज भी है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया, मतलब ये कोई बात होती है? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि भाई देश में लोकतंत्र स्थापित करने से पहले पार्टी में लोकतंत्र स्थापित करो, मोदी जी ने पार्टी से निकाल दिया। जब मोदी जी ने नाम लिया उसी दिन आपको लगा था कि ऐसा लगता है कि बीजेपी और आपके रास्ते मिल सकते हैं, क्योंकि आप उसके बाद तो आप वो नाम कब लिया था उन्होंने? 2017 के चुनाव थे गुजरात के। हाँ, मैं बीजेपी कब ज्वाइन किया आपने स्टार्टिंग 21 में? हाँ, तो फिर बताओ फिर। नहीं, नहीं, मैं, अगर रास्ते मिल रहे हैं तो 4 साल कैसे? नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ कि इन 4 सालों में आपने टीवी एंकरिंग की, आपने तहसीम के साथ टीवी पे शो भी कर लिया, तो ये 4 साल आपने क्या किया और क्या करना चाह रहे थे उस टाइम? उस टाइम पे ये था कि जो मेरी मूल विचारधारा है, जिसके लिए मैं हमेशा से बात रखता हूँ कि राष्ट्रनीति प्रथम, राजनीति नहीं, और काबिलियत के ऊपर तय हो, उसके हिसाब से मैंने सोचा कि तुरंत कोई पॉलिटिकल पार्टी या प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से अच्छा जो मेरी काबिलियत है, मतलब बोलने की क्षमता है, उसको मैं एक्सप्लोर करूं। मुझे मौका मिला कि मीडिया में आइए, मीडिया में आपको हम मौका देंगे, और वहां पर मैं वैसे भी जाता था मीडिया में, तो उसमें मैंने फिर एक नया चैप्टर शुरू किया जिसमें कि एंकरिंग, मीडिया का काम करना, और मुझे वो पसंद भी आया। और वो मैंने बड़े, जितना भी मैं किया मैंने उसको बड़े ऑब्जेक्टिवली और निष्पक्षता से और जितनी ईमानदारी से मीडिया किया। मीडिया लाइमलाइट आपको पसंद आता है, जैसे आपको भी और तहसीन को भी? लाइमलाइट शब्द देखिए, उसको ऐसे भी आप देख सकते हैं, पर मुझे लगता है मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स और मीडिया जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही, और आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप लोगों तक अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सकते हो। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, सही है। तो कम्युनिकेट करने का तरीका मीडिया से, तो मैं मीडिया के साथ एडवर्सरियल रोल नहीं देखता हूँ। मैं मीडिया को अपना विरोधी नहीं मानता हूँ, मैं मीडिया को मानता हूँ कि पॉलिटिक्स के लिए और पब्लिक पॉलिसी के लिए, देश के कल्याण के लिए मीडिया एक बहुत बड़ा अलाय है, और मैं हमेशा से उसको इस प्रकार से ही लेता हूँ। अभी हम आपके नेहरूवादी होने की बात कर रहे थे, जिसमें आपने कहा आप नेहरूवादी भी हैं, मोदीवादी भी हैं, पर बस राहुल और प्रियंकावादी नहीं हो पाया। ओके, पर बीजेपी तो नेहरू जी की एक भी बात अच्छी नहीं बताती है। ऐसा नहीं, आपकी पार्टी क्या बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी बता दीजिए मुझे एक भी नेता ने नेहरू जी की एक चीज की तारीफ की। राजनाथ सिंह जी ने, अब राजनाथ जी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है राजनाथ जी, नितिन गडकरी छोड़ दीजिए। नहीं, राजनाथ जी, मोदी जी ने भी बोला है 15 अगस्त के लाल किले के प्राचीर से, और बाकी पार्टी के नेता अच्छा, तो सिर्फ उनको ट्रोल करते हैं। बाकी सब छोड़ दीजिए, मैं आपको मोदी जी की सोच के बारे में बताता हूँ। मोदी जी की सोच इतनी विशाल और व्यापक है मानक जी, कि कई बार हमारे देश में मेमोरियल बनते तो क्या बनता है, नेहरू मेमोरियल, इंदिरा मेमोरियल, राजीव मेमोरियल, अब पता नहीं कल रिहान मेमोरियल भी बनेगा, जो भी बनेगा। हमने बनाया मेमोरियल तो हमने सारे देश के प्रधानमंत्री का बनाया। नाम हटाए ना वहां से आपने? नहीं, नेहरू जी का नाम तो हटाया, कितनी योजनाओं से, कितनी कोई जगहों नाम से नहीं हटाया। हमने तो प्रधानमंत्री संग्रहालय कहा, प्रधानमंत्री इंस्टीट्यूशन को डेडिकेट कर दिया। और मुझे बताइए कि अगर वहां पर उस जगह पर राजीव जी की भी योगदान को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। इंदिरा जी के भी योगदान को सेलिब्रेट किया जा रहा है उसके खिलाफ है। चौधरी चरण सिंह जी के, देवेगौड़ा जी के, मनमोहन सिंह जी के, सारे देश के प्रधानमंत्रियों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है आपने वकालत की पढ़ाई की है ना? हाँ, आप अच्छे वकील हैं। नहीं, मैं अच्छा बढ़िया वकील हूं। देखिए, अच्छा वकील, सबसे अच्छा वकील वो होता है जो कन्विक्शन से बोलता है। मैं कन्विक्शन से बोलता हूँ, इसलिए आपको मेरी बात पसंद आ रही है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने तो सबसे बड़ा प्रमाण दिया कि देश के हर नेता का, अच्छा कितना वो उनको रिस्पेक्ट करते हैं। अभी जो नए पार्लियामेंट में हम गए, ओल्ड पार्लियामेंट से नए पार्लियामेंट में, आपने प्रधानमंत्री जी की वो स्पीच सुनी? वो स्पीच जिसमें खड़गे जी और अधीर रंजन जी ने, माफ कीजिएगा, उन्होंने पूरी राजनीतिक स्पीच दी, मोदी जी ने एक स्टेट्समैन की तरह पहले प्रधानमंत्री से लेकर आज तक, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर द्रौपदी मुर्मू जी तक, और यहां तक कि पार्लियामेंट के कर्मचारी, सिक्योरिटी पर्सनल, हरेक के योगदान को नतमस्तक होकर स्वीकारा। इतना बड़ा दिल किसी का हो सकता है क्या? मुझे एक बात बताइए, एक बार मुझे बताइए कि कांग्रेस वालों ने कहा हो कि वाजपेयी जी ने ये काम किया और ठीक किया। वो तो वाजपेयी जी के बारे में पवन खेड़ा जैसे लोगों ने क्या क्या कहा। नहीं, नहीं, अब तो याद करते हैं, ऐसा नहीं। नहीं, नहीं, अब क्यों याद कर रहे हैं, वो भी उनकी मजबूरी है।
तो वाजपेयी जी को भी याद करते हैं। सोनिया जी ने, माफ कीजिए, सोनिया जी ने वाजपेयी जी को एक बार इस श्रेणी में डाला था कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी, ये आपको भी पता है। और ये हम में और उनमें अंतर है। हम नेहरू जी की टीका टिप्पणी जरूर करेंगे पर हमने कभी बिल्कुल यही तो वाजपेयी जी ने मनमोहन सिंह के साथ भी किया था, उनको भी पाकिस्तान से गद्दारी करते हुए आरोप लगा दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके बाद उन्होंने वापस भी लिए थे। उन्होंने ये बात नहीं कही थी, हमने कहा था वो गलत डायरेक्शन में चले जाए। नहीं नहीं, वो तो पाकिस्तान के ऊपर सवाल था ना, वो क्यों मान रहे, चलिए अपने आप पे क्यों ले, चलिए ओके, क्योंकि ये इंटरव्यू ज्यादा आपके बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपके नाम पर आ रहा हूँ। शहजाद लिखते हैं आप और आगे लिखते हैं पूनावाला। पूनावाला से सबको ये इंप्रेशन मिलता है कि ये पुणे के वो अरबपति घराने के पूनावाला हैं। हाँ। तो ये क्या कहानी है जरा? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वैसे मेरा ओरिजिनल सरनेम जो है हमारे परिवार का जमादार है, जमादार। तो जमादार जो होते हैं आप उसका मतलब तो जानते ही हैं, और कई जगहों पर वो ओबीसी लिस्ट में भी आते हैं। तो पसमानदा समाज से एक तरीके से मेरे जैसे फादर के ब्रदर्स हैं और उनकी फैमिली है, वो आज भी जमादार ही लगाते हैं। जब मेरे फादर बहुत यंग एज में, उनके भी पिताजी का देहांत हो गया और पांच भाई थे और उनके अलग अलग भाई अलग अलग काम कर रहे थे, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया मेरे पिताजी ने। ओके, क्या बिजनेस था वो? रोड कंस्ट्रक्शन का, सिविल मेंटेनेंस, रोड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। उस समय पर उनको जो वहाँ पर परिस्थितियाँ लगी तो उन्होंने अपना नाम, और उस समय पर सीरम इंस्टीट्यूट था पर इतना बड़ा शायद नहीं था, आधार पूनावाला का, आधार पूनावाला और साइरस पूनावाला का। हाँ। तो उन्होंने पूनावाला सरनेम अपना यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि जमादार के साथ बहुत सारे कॉनोटेशंस भी आप समझ सकते हो कि जुड़े होते हैं इन दैट सेंस। तो उन्होंने एक अपने आप से एक सरनेम अपना लिया है। अच्छा। और वो सरनेम फिर हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे उनके, उनको जो हमारी मस्जिद तो नहीं कहूँगा, हमारा जमात खाना कहते हैं उसको, जहाँ पर हम नमाज पढ़ते हैं या दुआ पढ़ते हैं, वहाँ पे मेरे फादर को आज भी जब याद करते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे कम्युनिटी के, तो बाबा जमादार ही बोलते हैं उनको। Okay. उनको पेट नेम उनका बाबा था तो बाबा जमादार ही बोलते थे, कोई हमको पूनावाला नहीं बोलता वहाँ पे भी, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो सब जमादार ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे परिवार का नाम जमादार है। तो उन्होंने ये पूनावाला सरनेम लिया, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। बहुत कम समय में उन्होंने बहुत अच्छा अपना एक मकाम बनाया, हमारी आगा खानी कम्युनिटी के वो नेशनल प्रेसिडेंट बने, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की लोगों के लिए। और फिर दुर्भाग्यपूर्ण मतलब वर्ष ये उनकी जो है डेथ हो गई पहले ही हार्ट अटैक में, जबकि वो बहुत फिट हुआ करते थे। तो अदार पूनावाला, साइरस पूनावाला से आपका कोई रिश्ता नहीं? वो तो पारसी है, वो पारसी है। हाँ। हम मुस्लिम हैं तो पारसी और मुस्लिम, पर ऐसा है कि हम उनको जानते हैं, क्योंकि पूना बहुत छोटा शहर है, उस समय तो और भी छोटा था। हाँ। और क्योंकि तहसीन का इन्वॉल्वमेंट रेस्टोरेंट बिजनेस में रहा है, तो रेस्टोरेंट बिजनेस में एक सेम ही लोग आते हैं रेस्टोरेंट्स में। Right. तो उनके साथ रिश्ता बन जाता है, तो उस प्रकार से उनको वो बहुत अच्छे तरीके से जानते भी है और उनके अच्छे रिश्ते वैसे पर्सनली भी है। मेरा भी मतलब आई ऑल्सो नो आदर पूनावाला वेरी वेल, आई नो साइरस पूनावाला जी वेरी वेल, आई एम श्योर दे मस्ट बी नोइंग अबाउट मी ऑल्सो थोड़ा बहुत, और हम लोग एक दूसरे को जानते हैं पर हमारा कोई फैमिली रिश्ता नहीं है। Okay. और ये बार बार क्लैरिफाइड है पर क्या है ना, लोगों को कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करनी है तो भाई आपको काम पे टारगेट नहीं कर सकते, तो बोलते हैं कि भाई ये देखो। नहीं नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं। अच्छा, इसमें बड़ा नुकसान हुआ बताया क्यों? कई लोग मुझे फोन करते थे कोविड में और बोलते थे वैक्सीन दिला दो, मैंने बोला भाई वो मैं नहीं हूँ। तो अच्छा, तो उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट हॉर्स रेसिंग में भी है, वो काफी रेसिंग में भी आगे रहते हैं, तो ना मैं रेसिंग वाला हूँ ना मैं वैक्सीन वाला हूँ, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। फिर आप क्या बिजनेस करते हैं? फिर पैसा वैसा कहाँ से कमाते हैं, कैसे गुजारा होता है आपका? नहीं ऐसा, जैसे है, आपने कहा तहसीन का तो अपना बिजनेस। हाँ, है रेस्टोरेंट का, होटल्स का। करेक्ट, उसका तो बड़ा अच्छा बिजनेस चलता। हाँ, है। और आपका? और मैं पहले तो मैं मीडिया में फुल टाइम था, तब तो मैं मीडिया में ही काम करता था, तो वो फुल टाइम था, पर उसके बाद मैंने दो तीन ऐसे चीज़ें कंसल्टेंसीज और वो शुरू किए हैं। ओके। तो उसमें मीडिया की ही रिलेटेड कंसल्टेंसीज, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ कंसल्टेंसीज, और फिर जो लीगल कंसल्टेंसीज विद पार्टनरशिप विद सम अदर पीपल। हाँ। तो उसमें आपने बिजनेस नहीं किया? नहीं, बिजनेस इन दैट सेंस नहीं, पर अगर इसको तो एक तरीके से बिजनेस ही कहेंगे, क्योंकि वो मेरी मेरे साथ लोग मिलकर ही वो। तो फिर ये कैसे हुआ कि तहसीन ने इतना बड़ा बिजनेस बना लिया और आपने उतना बड़ा बिजनेस नहीं बनाया? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट अलग अलग है। तहसीन का हमेशा से बिजनेस के प्रति ज्यादा फोकस रहा है,
वो हमेशा से इसमें इन्वॉल्व रहे, बिजनेस में, रेस्टोरेंट्स में। मेरा इंक्लिनेशन ऐसा रहा है कि मैं सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो पिता का बिजनेस किसने संभाला फिर? वो मदर ने संभाला, मदर ने काफ़ी हद तक संभाला, और वो आज भी जितना थोड़ा बहुत काम वो देख लेती है, माँ संभाल लेती है। हाँ, वो देख लेती है। यानी माँ ने अकेले दोनों को पाला? मेरी मदर की जो एक्चुअली उन्होंने जितना सेक्रीफाइस किया है, मैं कह सकता हूँ कि एक मदर ही दो सन्स को रेज करना, दो लड़कों को रेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो भी उस एज में, बच्चे जब छोटे हो। हाँ, जब वो एज में। आप पांच के थे? मैं पांच का था, और तहसीन 9.5-10 के थे, तो हाँ, तो 5 साल बड़े थे। तो बड़ा कठिन समय था हमारे लिए एज ए फैमिली। मेरी मदर को जाना पड़ता था, उस समय पर ट्रांसपोर्ट की चीज़ें इतनी नहीं होती थी, तो शी हैड टू स्पेंड लॉट, बहुत समय अपना ट्रांसपोर्ट में चला जाता था, फैक्ट्रीज पे जाना, साइट्स पे जाना, वापस आना। पर किसे पैसे के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा ना कभी? पैसे के लिए स्ट्रगल ये था, जैसे आपने कहा कि उन्होंने अच्छा बिजनेस एक करके और वो छोड़ हाँ, वो तो उनके उनकी वजह से हम लोग एक प्रकार से सेफ थे। पर जो अमूमन होता है ऐसी सिचुएशन में कि अपने ही लोग आपको कई बार धोखा दे देते हैं, तो वो भी मेरी मदर ने फेस किया बिजनेस में और बहुत सारी चीज़ों में। तो उसके बाद एक स्थिति तो ये थी कि हमारे पास मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए भी व्हीकल नहीं हुआ करती थी, तो मैं मदर मेरी माँ भी खुद बस से जाती आपने बताया आप भी बस से दिल्ली में बस से वो खुद भी बस से जाती थी, और वो इतनी स्ट्रांग लेडी है मेरी मदर, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने जो भी हो सका उन्होंने तहसीन और मेरे लिए किया। वो 100 रुपये बचाने के लिए वो बस से भी जाती थी ताकि हमें एक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खरीद के दिलवा सके। तो इसीलिए मेरे लिए जो जो लोग मुझ पर कहते हैं मुझे पैसों की या मुझे उसकी चिंता ही नहीं है, देखिए मैं इसलिए सिंगल हूँ ना, मैं शादी करने वाला हूँ, मेरे ज़िंदगी का एकमात्र लक्ष्य ये है। आपने ये शादी ना करने का फैसला क्यों कर लिया भाई? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में और बीजेपी के प्रति और मेरी पार्टी के काम के प्रति फुल्ली कमिटेड हूँ। पूरा टाइम आप इसको देना पूरा टाइम मैं इसको ही देना चाहता हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और मेरा पहला जो 6:30 से काम शुरू होता है वो पार्टी के लिए काम होता है, और रात को 12-1 बजे सोता हूँ तो पार्टी का काम करते हुए। मोदी जी से प्रभावित हो गए आप? अकेले रहूंगा और देश के नाम पूरा समय दे दूंगा। मोदी जी के साथ तो पूरा देश है, पर मोदी जी जिस प्रकार से 18-18 घंटे काम करते हैं और जिस प्रकार से वो नॉन स्टॉप देश के लिए लगे हुए हैं, तो अगर मैं अपनी इस एज में ना कर पाऊँ कहीं वो तो, संग वाला वो असर तो नहीं है? मैं हमेशा क्योंकि संग में तो ये कहते हैं ना कि शादी नहीं करना चाहिए, अगर आप नहीं करना चाहिए नहीं बोलते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रचारक बनते हैं, और हाँ। वो प्रचारक बनने की जो एक भूमिका रहती है वो अपना सब कुछ अपना त्याग देते हैं समाज के लिए और देश के लिए। तो वो भावना, संघ की एक भावना, हालांकि मैं संघ में कभी मुझे जाने का वहाँ पे सौभाग्य नहीं मिला, पर मुझे लगता है वो भावना जो है उस प्रकार से काम करने की वो मुझ में है। okay. और एक प्रकार से आरएसएस पूना से ही जन्मी है, तो वो थॉट प्रोसेस सब में है कि भाई देश और समाज के लिए अपने व्यक्तिगत हित को या अपने व्यक्तिगत कंफर्ट को सैक्रिफाइस करो। ओके okay. तहसीन पूना वाला आपके जो भाई हैं उनकी शादी हुई मोनिका वाड्रा से, और मोनिका है रॉबर्ट वाड्रा की कजन, तो ये कैसे हुआ था भाई? इसकी वो तो कहानी नहीं, वो जिस दिन तहसीन को चाय पे बुलाएंगे तहसीन से तो सुनूंगा, अलग कहानी। मुझे भाई तो आप देखिए जब छोटे बड़े भाई की शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? छोटा भाई होता है। नहीं नहीं मैं बड़ा खुश हूं। स्टोरी सारी पता होगी आपको? नहीं मुझे जो बता सकते हैं आप, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मुझे लगता है कि उनके कोई कॉमन फ्रेंड्स थे, मुझे जहाँ तक याद है, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वो कॉमन फ्रेंड्स के जरिए मिले और उनकी फ्रेंडशिप हुई और दोनों कि मतलब एक दूसरे के प्रति लाइकिंग डेवलप हुई और कई समय तक उन्होंने एक दूसरे को डेट किया। अच्छा, लव मैरिज थी? हाँ, लव मैरिज। और तो उस टाइम ये बात आई थी कि ये रॉबर्ट वाड्रा की कजन है, मतलब मस्ट बी अ बिग डील एट दैट पॉइंट। आई मीन आई डोंट थिंक तहसीन को और मोनिका को इससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ रहा था कि मोनिका किस परिवार से है या तहसीन कहाँ से है, तो मुझे नहीं लगता दैट वाज अ फैक्टर एट ऑल। और ना मेरी मदर को इन चीज़ों में कोई ज़्यादा। आप नाचे थे शादी में? सॉरी, आप नाचे थे? मैं तो बिल्कुल नाचा था, मेरे भाई की शादी थी अभी, उनका उनको एक बहुत प्यारा बेबी भी वो जन्म दिया है, जुर्वान। तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता है
तो वैसे तो मैं तहसीन से ज़्यादा मिलता नहीं हूँ और बात नहीं होती हमारी, पर जब पूना जाता हूँ तो कई बार जुर्वान मेरे मदर के घर पे आते हैं तो उनसे खेलना होता है। और मेरी मदर के अब 3 और बच्चे हो चुके हैं, इन द सेंस कि एक तो जुर्वान है ही उनका पोता और उनके साथ 2 डॉग्स हैं। अच्छा, तो एक है हाची और अभी एक नया आया है मून, तो वो तीनों जो है मिलके मेरी मदर शाम को वॉक पे जाती हैं और ये सारे साथ में होते हैं तो मिलते हैं। मैं मोनिका से मिलता हूँ क्योंकि वो मोनिका के साथ। कौन से साल में शादी हुई थी, कुछ याद है आपको? ये 2016। अच्छा, 16 में, राइट, ओके, मार्च अप्रैल 2016 में। ओके, अब मैं आ रहा हूँ आपकी और तहसीन की स्टोरी पे, क्योंकि आपने अभी उसका जिक्र भी किया। क्या हो गया ऐसा यार, राजनीति में विचारधारा अलग हो सकती है, 2 भाई कैसे अलग हो जाएंगे राजनीति के लिए विचारधारा के लिए? मतलब बहुत ही बकवास बात है। मतलब कैसे हो सकता है भाई, हमने बहुत सारे, ज्यादातर परिवार ऐसे होते हैं जिनमें 2 सदस्यों की 3 सदस्यों की अलग अलग राय हो सकती है राजनीति पर, पॉलिटिक्स पर, अलग अलग पार्टी में भी हो सकते हैं, पर पॉलिटिक्स के लिए अलग हो जाएंगे, रिश्ते तोड़ देंगे, एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है? ये देश तो वो है जहां पर हम महाभारत की बात करते हैं, महाभारत तो फैमिली के बीच में ही तो हुई थी। महाभारत तो पांडव और कौरव दोनों एक दूसरे के कजिन्स थे। जब हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धार्मिक ग्रंथ में ये कहा गया है कि लोगों ने अपने सिद्धांतों को परिवार के ऊपर रखा और पांडवों ने जिस प्रकार से कौरवों का खात्मा किया क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी, तो मैं तो पांडवों के रास्ते पर चल रहा हूँ। भाई को कौरव बता रहे हैं आप, बताइए। नहीं, बिल्कुल उनकी विचारधारा कौरवों वाली, उसमें मुझे कहने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। अरे लेकिन डिसोन तो तहसीन ने किया था आपको, वो करते रहे, वो ट्विटर पर लिखा था। हम लोग लीगली कहीं लिखवा के ANI पे बाइट देकर थोड़ी भाई बने थे भाई, हम लोग भाई इसलिए बने थे क्योंकि हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया। पर रिश्ता तोड़ने का जो फैसला था वो तो तहसीन का था। हाँ, तो बाकायदा ये मैं लेके आया ना, मैं वही देख रहा था, आई ऑफिशियली एंड ऑल रिलेशनशिप्स विद शहजाद। तो ये तो उनसे पूछना चाहिए कि आपने केवल और केवल क्योंकि मैंने पार्टी के विषय में कुछ चीजें उठाई जो कि सच है, जो आज अगर आज, अच्छा वो ये अध्यक्ष चुनाव वाले उसके बाद हुआ। देखिए मानक जी, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके भी डिबेट में आते हैं वो बार बार, वो बड़ी टॉलरेंस की और सहिष्णुता की बात करते हैं, करेक्ट। मैंने एक बात रखी जो आज भी सत्य साबित हो रही है, कांग्रेस के मेरे बाद, और हेमंता जी पहले निकले फिर मैं निकला, उसके बाद ना जाने कितने लोग निकले कांग्रेस से, सभी यही कारण से निकले, गुलाम नबी आज़ाद से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी, चलो उनका तो कोई और विषय भी था, उसके अलावा जो जयवीर शेरगिल, टॉम वड़कन, सारे लोग, ये लोग निकले। अब मुझे बताइए कि जो मैंने बात कही वो सही साबित हुई? आजकल तहसीन भी जब डिबेट में जाते हैं तो कहीं कहीं स्वीकारते हैं, नहीं नहीं ये बात तो गलत है, नहीं ये बात गलत है, तो जो मैंने सही कहा उसके लिए आपने रिश्ता क्यों तोड़ा? और आपने तो कोशिश नहीं की रिश्ता बचाने की? देखिए मेरे लिए, मेरे बोलना चाहिए था ना, बात करना चाहिए था भाई, क्या हो गया? मतलब आप अपनी राय रखो, मैं अपनी राय रखूं, वो तो ठीक है, वो अगर जो जो बाकी लोगों को समझ में आता है वो ये, क्योंकि तहसीन तो रॉबर्ट वाड्रा के रिश्तेदार हो गए ना, गांधी परिवार के रिश्तेदार हो गए, वो तो आप उनका, उनकी एक्सपेक्टेशन ये रही होगी कि आप एक, कम से कम अगर आप विरोध भी करना है तो आप एक मर्यादा के अंदर रहकर विरोध करें। नहीं, मर्यादा के अंदर रहकर ही विरोध किया मैंने, जो अगर आप अपने आप को इतनी लोकतांत्रिक पार्टी कहते हैं, मैंने एक पत्र लिखा, पत्र आपकी तरफ से लीक हुआ, मैंने तो राहुल गांधी को पत्र लिखा था ना, उनसे पूछे ना कैसे वो लीक हुआ, पत्र उनके लोगों ने लीक किया होगा तब तो, वो मीडिया में पहुंचा, तो मोनिका भी नाराज हो गई होंगी। अब मुझे लगता है कि ये सारी चीजों पे जो है बहुत गंगा में पानी बह चुका, अभी बात नहीं होती आपकी? नहीं, मेरी मोनिका से बिल्कुल बात होती है, जुर्वान से मैं मिलने जाता हूँ बिल्कुल। तो अभी कैसी बात होती है? हम लोग राजनीति पे चर्चा नहीं करते, पर्सनल वैसे भी उससे पहले भी मोनिका और मैंने कभी पॉलिटिकल चर्चा नहीं की है, वो मेरी भाभी हैं और वो जुर्वान की मदर है, मेरे भतीजे की माँ है वो, तो मैं उनसे पॉलिटिकल चर्चा, ठीक है उनके साथ, बहुत अच्छा है। और तहसीन के साथ? तहसीन के साथ ऐसा है कि अगर वो राजनीतिक विषय बोलेंगे मेरे सामने तो मैं उनको राजनीतिक रूप से जवाब देता हूँ, और वो तो रोज आप लोग देखते हैं 5 से 9 के बीच तौर पर, तो भाई हम लोग बात नहीं करते, हम लोग मतलब कई लोग कहेंगे कि ये विचित्र स्थिति है, तो हमारी मदर यूनाइटेड नेशंस है और हम यूनाइटेड नेशंस के जरिए ही बातचीत। मैं यही पूछने वाला था कि माँ की क्या, माँ का क्या स्टैंड रहता है जब 2 झगड़े, रिश्ता तोड़ लिया, क्या क्या बोलती हैं माँ, आप भी क्या बोलती हैं? नहीं, जैसे हमेशा से यूनाइटेड नेशंस का स्टैंड रहता है कि आप लोग सीज फायर कर लीजिए, आप लोग जो है युद्ध विराम कर लीजिए, पर अक्सर जैसे यूनाइटेड नेशंस के लोग इज़राइल पे ही ओनर्स डालते हैं और हमास पे कम ओनर्स डालते हैं, वैसे मुझ पर ज़्यादा ओनर्स आ जाता है
कि आप ही क्यों बोलते हैं, आप क्यों जवाब देते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर मुझे उनको बताना पड़ता है कि माता जी ऐसा है कि चाहे कोई भी सामने हो, तहसीन हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, पवन खेड़ा हो, कोई भी हो, यदि वो ऐसी बात बोलेगा जो देश के लिए सही नहीं होगी तो मैं उनका प्रतिकार करूंगा। ठीक है, राजनीति करिए, लेकिन निजी तौर पर तो कम से कम रिश्ता बना रहना चाहिए। अब देखिए, मैंने तोड़ा नहीं और ना मैं आज भी ऐसे मानता हूँ जिन्होंने तोड़ा। अच्छा, माँ की विचारधारा क्या है वैसे, वो बीजेपी की तरफ रहती हैं इंक्लाइंड या? देखिए, मेरी मदर जो है वो हमेशा से कांग्रेस ही हमारा पूरा समाज भी रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ही एकमात्र वहाँ पे उनका वर्चस्व था। जब से महाराष्ट्र स्टेट बना था, बॉम्बे स्टेट अलग डिवाइड हुआ था और गुजरात और महाराष्ट्र दो स्टेट उसमें से निकले थे, तब से महाराष्ट्र में कांग्रेस लंबे समय तक रही। ये तो जब मोदी जी और मोदी जी के साथ साथ फडणवीस जी आए, तब भाजपा एक अपनी पहली बार 100 सीटों से ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई है। वहाँ पे अब बीजेपी को लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरी मदर ने भी कई चीज़ें जो है 8-9 वर्षों में एक्सपीरियंस की। जैसे मेरी मदर एंटी टेक्नोलॉजी थी, मतलब वो कभी फ़ोन वोन भी इस्तेमाल नहीं करती थी, मोबाइल फ़ोन वगैरह। आज वो फट फट से व्हाट्सएप तो करते ही हैं, हमें व्हाट्सएप वीडियो कॉल वगैरह करती हैं, UPI ट्रांजैक्शन और पेमेंट भी करती हैं। तो वो सब मोदी जी ने ही एक प्रकार से दिया है, तो UPI ट्रांजैक्शन करती है तो उनको पता चलता है कि मोदी जी ने कैसे देश का कल्याण किया है। और मदर जो है मेरी, मुझे, मैं उनको बताते रहता हूँ, जब हम छोटे थे तो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते थे कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे। तो मदर जो थी वो 15 मिनट अनुमति देती थी, कि क्योंकि बहुत लंबा बिल आता था VSNL कनेक्शन का, तो वो फ़ोन पहले अनलॉक करके पहले इंटरनेट हम लगाते थे, 15 मिनट होता था, फिर मदर आ जाती थी, चलो ये सब बंद करो और जाओ बिल भरने चले जाओ, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरो, लाइन में खड़े रह जाओ, कहीं और लाइन में खड़े रह जाओ। आज जो भी इन लाइन थे उनको मोदी जी ने ऑनलाइन कर दिया है, और जो इंटरनेट कितने महंगा होता था, आज हम लोग फ़ोन के माध्यम से या जो भी है हम लोग यूज़ करते हैं, और उसमें कम से कम 90% की गिरावट आई है रेट्स में इंटरनेट के, और इतना स्पीड हाई हो चुका है इंटरनेट का, तो वो सब एक्सपीरियंस करती है। ओके, आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, आप फॉलो करते हैं रिलीजन अपना, नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं? हमारे यहाँ पे दुआ पढ़ते हैं, नमाज मतलब जिसको नमाज कहते हैं वो दुआ हम लोग कहते हैं, आगा खानी, शिया आगा खानी जो होते हैं वो दुआ पढ़ते हैं, तो मैं बिल्कुल दुआ पढ़ता हूँ। और मैं, हमारे यहाँ पे जमात खाने में हम जाते हैं, तो हमारी मस्जिद जो होती है उसको जमात खाना कहते हैं, पर दिल्ली में नहीं है तो मैं जा नहीं सकता, घर में कर लेते हैं। घर में करते हैं, और देखिए अल्लाह तो हर जगह है, तो जहाँ आप याद करेंगे वहाँ पे आप उनको याद करके आप दुआ मांग सकते हैं और शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो ये रिलीजन की पॉलिटिक्स पर आप असहज नहीं होते कई बार बीजेपी में रहते हुए, क्योंकि बीजेपी को तो एंटी मुस्लिम पार्टी माना जाता है? देखिए, बीजेपी के बारे में ये धारणा बनाई गई है जानबूझकर। बीजेपी और आरएसएस को जो लोग एंटी मुस्लिम कहते हैं उनको एक बात का जवाब देना चाहिए, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, हाशिमपुर, नैली, दिल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, ये सारे दंगे कब हुए? मुजफ्फरनगर के दंगे कब हुए? क्या ये भाजपा के शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में ऐसे ऐसे दंगे हुए जहाँ पर 1,000, 2,000, 3,000 लोग काटे गए, सब मुस्लिम मारे गए? दिल्ली छोड़ के नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। नहीं, एंटी मुस्लिम है ये, किस एंटी मुस्लिम इस लिहाज से? हाँ। कि एंटी मुस्लिम इस लिहाज से कि कोई भी मुस्लिम, बहुत कम, ना के बराबर मुस्लिम बीजेपी को वोट देता है। नहीं, ये तो कई बीजेपी के नेता तो ये तक कहते हैं हमें आपका वोट ही नहीं चाहिए, ऐसा मत हो जाओ। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले तो अभी तो मुस्लिम जो है समाज हमारे साथ इतने बड़े पैमाने पर जुड़ा है, ये इसलिए जुड़ा है क्योंकि मोदी जी ने तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण की नीति अपनाई। मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसी समुदाय का नहीं होगा, गरीबों का होगा, इसलिए नल से जल देते हैं, मुद्रा लोन योजना देते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, राशन देते हैं, टॉयलेट बनवाते हैं, तो शिल्पा सुल्ताना दोनों को मिलता है, मोहम्मद मोहित दोनों को मिलता है। पर वोट तो नहीं देता ना मुस्लिम फिर भी? मोदी जी वोट के लिए काम नहीं करते, मोदी जी देश बनाने क्यों नहीं देता मुस्लिम वोट? मैं उस पर भी आता हूँ, और वो वोट दे रहे हैं, वोट दे ही नहीं रहे हैं हमारे 2%। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपकी फिर आंकड़े हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये है कि जो भी मोदी जी की स्कीम्स है उसमें कहीं पर भी संस्थागत भेदभाव नहीं होता है किसी के साथ भी। दूसरी बात, ज़्यादातर जो लाभार्थी हैं इसके, SC ST OBC मुस्लिम, ये जो गरीब शोषित समाज से ही आते हैं, तो कहीं पर भी भेदभाव नहीं होता, ना दंगे उस प्रकार के हुए जो कांग्रेस के ज़माने में होते थे। तो ये एंटी मुस्लिम का तगमा लगता कैसे है? ये इसलिए लगता है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में
एक कम्युनिटी को आप जो है एक विक्टिम की तरह बार बार पेश करते हैं, उनके मन में ये डाल देते कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब और उनके लिए कुछ करते नहीं है। आज आप सच्चर मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय में बीजेपी को बदनाम करके छवि बिगाड़ी गई है और इसीलिए मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं। बिल्कुल, मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल, पर बीजेपी भी तो टिकट नहीं देती है मुसलमान। मैं सारी चीजों पर आता हूँ, अभी टिकट पे भी आता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। गुजरात का मुस्लिम जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया, और वेस्ट बंगाल का मुस्लिम, गुजरात का मुस्लिम वेस्ट बंगाल के मुस्लिम से ज्यादा संपन्न, ज्यादा एजुकेटेड, ज्यादा फाइनेंशियली इंक्लूडेड, और उसके अलावा एक बात सुनिए, 9% है गुजरात के मुस्लिम्स पॉपुलेशन में, वहां पर उनकी पीएसयू सेक्टर में जॉब्स में हिस्सेदारी 9%, बंगाल में 25% है, वहां पर हिस्सेदारी 2%। बताइए कि ये सेकुलरिज्म का यहाँ पे सुंदर गीत चल रहा है बंगाल में, तो वहां पर क्यों नहीं दे पाए? मैं तो प्योर पॉलिटिक्स, अब टिकट्स पे आते हैं, टिकट्स पे आते हैं। अब मैं राजस्थान चुनाव में हूँ, लोकसभा में राजस्थान में भी 9 या 10% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो कायदे से लोकसभा में 25 सीटों में से 3 सीट देनी चाहिए थी राजस्थान में, लोकसभा की 3 सीटें कांग्रेस ने कितनी सीट दी? 1 अजहरुद्दीन को दी, वो भी बाहर से मंगवा के उनको चुनाव लड़वाया, कोई और मुस्लिम नहीं मिला राजस्थान में। गुजरात में आ जाइए, गुजरात में भी 9 या 10% मुस्लिम आबादी है, मतलब 180 सीट्स में से विधानसभा की 18 सीट कायदे से मुस्लिम्स की होनी चाहिए उसके हिसाब से। कांग्रेस ने 1995 के बाद 10 सीट से ज्यादा मुस्लिम्स को नहीं दी है। मोदी जी 1995 में कहीं नहीं थे बीजेपी गुजरात में, क्यों नहीं दी? क्योंकि उनके लिए विनेबिलिटी महत्वपूर्ण था। आप विनेबिलिटी के आधार पर तय करो तब तो आप सेकुलर, और हम विनेबिलिटी के आधार पर तय करें हम कम्युनल। और एक और बात, एक लास्ट बात, 1985-86 के बाद मानक जी जम्मू कश्मीर को हटाकर, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य, उसको हटा दो, देश के किसी और सूबे में, किसी और प्रदेश में कांग्रेस ने किसी मुस्लिम को चीफ मिनिस्टर बनाया क्या? बताओ ना, हम एंटी मुस्लिम चलिए मान लेते हैं, आपने बनाया। अभी हमारे यूएलबी के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव हुए, उसमें 300 पसमांदा को टिकट दिए और 60 जीत गया है। हमने गुलाम अली खटाना जी को राज्यसभा भेजा है जम्मू कश्मीर। अच्छा, के वो समाज से आते, गुजर समाज से आते हैं, तो कौन कर रहा है? एक सवाल और, उसके बाद रैपिड फायर राउंड, ठीक है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। आपके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी होंगे पुणे वाले, पुराने जान पहचान वाले, आपके कम्युनिटी के लोग जिनकी विचारधारा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की रही है, कभी वो कहते हैं शहजाद यार तुम बीजेपी में क्यों चले गए? हाँ, नहीं, वो तो क्यों चले गए बीजेपी में, ये तो हमसे, हमारे खिलाफ रहते हैं। उनका तो मेरे बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ही, उन्होंने तो मोदी जी के काम से प्रभावित होकर बीजेपी के प्रति अपना समर्थन जाहिर करना शुरू कर दिया था। आज तो वो मुझे, जब मैं जाता हूँ पुणे तो मेरा भव्य स्वागत करते हैं कि चलिए, जो बात हमें 5-7 साल पहले ही समझ में आ गई थी कि मोदी जी हमें चाहिए नेतृत्व के लिए, आज आप भी समझ गए और आपने राइट जगह ज्वाइन किया। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मैसेजेस दिखा सकता हूँ। जो लोग कांग्रेस पार्टी के एक प्रकार से समर्थक रहा करते थे, वो आज सबसे बड़े मोदी जी के समर्थक है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये मोदी जी जो है ना ईमानदार व्यक्ति है, देश के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। और एक बात मैं आपको बताऊँ, मोदी जी जो भी काम करते हैं वो अपने परिवार को संपन्न करने के लिए नहीं करते। आप ये जो इंडी इंडी नाच रहे हैं ना, ये इंडिया अलायंस बनाकर, आप देखिए ना, वहाँ पे मुलायम जी के परिवार के लिए कोई काम कर रहा है, स्टालिन के परिवार के लिए कर रहा है, कांग्रेस के परिवार से कर रहा है। अरे मुझे पता है आप प्रवक्ता हैं, आप बोलते रहेंगे, मैं आपको मोदी जी आपके परिवार के लिए काम कर रहे हैं, मालूम है, आप रात भर अपने परिवार के लिए, मुझे पता है कि आप रात भर बोल सकते हैं जी। अब रैपिड फायर, पर इसमें शर्त है कि आपको एक एक शब्द या बहुत एक एक लाइन का जवाब, ठीक, नो डिटेल्स, ओके। छोटा छोटा सवाल पूछूंगा, आपको एक एक शब्द या एक एक लाइन में जवाब देना है। इस देश का सबसे फिट नेता कौन सा है? अनुराग ठाकुर। इस देश का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता कौन सा है? मुझे लगता है अभी बाकी है आना। ओके, गुड चॉइस। सबसे बड़ा हिंदू चेहरा कौन सा है? इस देश का हिंदू चेहरा, हिंदू नेता, पॉलिटिकली हिंदू हृदय सम्राट कह लीजिए, मुझे लगता है कि काम के आधार पर अगर देखा जाए मोदी जी। ओके, पर वो केवल हिंदू नहीं है, वो भारतीय नेता है और पूरे भारतवर्ष के नेता है, परंतु हिंदू को मैं वे ऑफ लाइफ की तरह लेता हूँ, तो इसलिए मैं उस प्रकार से बोलूं। ठीक है, पॉइंट टेकन। सबसे विद्वान, सबसे पढ़ा लिखा नेता आप किसे मानते हैं? सुधांशु त्रिवेदी। अरे वाह, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी, देखो उन्होंने पहली बार इस सीट पर आकर बैठकर आपके इंटरव्यू शुरू किया, अगर सुधांशु त्रिवेदी जी के ज्ञान का और उनकी बोलने की क्षमता का मैं 50% भी अनुकरण कर लूं तो मैं गंगा नहा लूं। एब्सोल्युटली, मानना पड़ेगा। सबसे तेज प्रवक्ता,
अक्रॉस पार्टी लाइन आप किसे मानते हैं बेस्ट डिबेटर? सुधांशु जी को ही, पर क्योंकि रेपिटेटिव हो जाएगा तो संबित पात्रा भी कह सकते हैं। क्या बात है, वेरी गुड। संबित जी में वो कला है कि वो किसी भी मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से पॉलिटिकली हैंडल कर सकते हैं। ओके। देश का सबसे झूठा नेता कौन सा है? अरविंद केजरीवाल। सबसे सच्चा नेता कौन सा है? प्रधानमंत्री मोदी जी। इस देश का बेस्ट मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर? योगी आदित्यनाथ जी। अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कौन रहा है? मेरे हिसाब से इतिहास भी इसको आगे जाकर स्थापित करेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी। ओके। बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा अध्यक्ष कौन सा रहा है? मुझे जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में ही काम करने का मौका मिला है तो मैं नड्डा जी कहूंगा, क्योंकि नड्डा जी कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष हैं। ओके। कांग्रेस का बेस्ट अध्यक्ष कौन सा रहा है अभी तक? कांग्रेस में सीईओ होते हैं या अध्यक्ष नहीं होते, यहाँ पे तो एक परिवार ही चलता है। अध्यक्ष अध्यक्ष कोई भी हो, वहाँ पे परिवार की चलती है। ओके। तो ये सवाल ही गलत हो गया। ओके। अब तक की सबसे बड़ी गलती अपनी आप क्या मानते हैं? मैंने भारतीय जनता पार्टी बहुत देर से ज्वाइन की। ओके। और सबसे सही फैसला? निश्चित रूप से सही समय पर मतलब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना सही फैसला होगा, परंतु मुझे लगता है कि सही फैसला ये भी होगा जो बगावत मैंने कांग्रेस से की। ओके। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं अभी तक अपना अचीवमेंट? मेरी उपलब्धि ये है कि मैं अपने काम के प्रति और अपने देश के प्रति 24/7 कमिटेड रह सकता हूँ और मैं हर रोज़ उठकर ये काम कर सकता हूँ, तो मैंने अपने आप को उस प्रकार से ढाला, ये व्यक्तिगत उपलब्धि मानता हूँ। ओके। और सबसे बड़ा फेलियर कोई है मानते हैं? मेरा फेलियर ये हो सकता है कि मैं अपने परिवार को और बाकी अपने मित्रों को समय नहीं दे पाता हूँ, तो ये मेरा फेलियर है व्यक्तिगत रूप से। ओके। अब आपको चुनना है, ठीक है, दो तीन ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको चुनना है, राहुल या प्रियंका या सोनिया, बेहतर नेता कौन? सोनिया। नेहरू जी या गांधी जी? गांधी जी। भाई और बीजेपी में से चुनना हो तो? बीजेपी। भाई नहीं, भाई देखिए। ओके ओके, नहीं इसका जवाब दे सकता नहीं, वो बातें हो चुकी हैं। नहीं, नेशन फर्स्ट है। हाँ ठीक है, पार्टी फर्स्ट है। ओके, भाई और देश में से चुनना हो तो? सवाल ही पैदा नहीं होता, देश। देश। मोदी जी या वाजपेयी जी? मतलब ये किस प्रकार का चुनाव है, मतलब मुश्किल सवाल है ना? ऐसा कैसे, अगर नहीं चुन सकते तो आप कह सकते हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि वाजपेयी जी की मानसिक, उनकी जो एक प्रकार से क्षमता, उनकी जो क्षमता थी वो, और मोदी जी की कटिबद्धता, दोनों को सुनना हूँ। मोदी या नेहरू? मोदी जी। वाजपेयी या नेहरू? वाजपेयी। नेहरू या गांधी? हो गया वो तो मैंने कहा, महात्मा गांधी जी। दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला और मनीष तिवारी? राजीव शुक्ला जी। धर्म पहले या देश? देश देश, देश वो तो बीजेपी की फिलॉसफी है, ये सारे चीज सभी लोगों को। परिवार पहले या देश? देश, बिल्कुल। ओके। लोकसभा जाना चाहेंगे या राज्यसभा? पार्टी जहां भेजना चाहेगी वहां चला जाऊंगा, मैं तो बूथ पे भी काम करने के लिए। चुनाव या संगठन? कहां संगठन? संगठन, बिल्कुल। अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा और कुछ लोगों के, एक शब्द जो आपके जहन में आता है, तहसीन पूनावाला। हाई फ्लाइंग। मोनिका वाड्रा। बहुत प्यारी मेरी भाभी और जुर्वान की मम्मी। रॉबर्ट वाड्रा। पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी पार्टी जीजाजी को चोर बताती है। हाँ, तो अगर किसी ने कुछ किया है और कोर्ट भी उस बात को मानता है तो वो तो बात हम रखेंगे। ओके। आपने रॉबर्ट वाड्रा के लिए कहा उनको राजनीति नहीं करनी, राजनीति से दूर रहना चाहिए। राहुल गांधी। राहुल गांधी डिसऑनेस्ट नेता है और राहुल गांधी को भी एक प्रकार से डिसऑनेस्ट हो गया। प्रियंका गांधी। टेम्परमेंटल। सोनिया गांधी जी पुत्र मोह में गलत निर्णय लेने वाली। वरुण जी ये गूगली है। मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी आए तो ठीक रहे। स्टेबिलिटी। मेनका गांधी। मेनका जी तो मैं यही कहूंगा कि प्राणियों के प्रति उनका प्रेम जो है उस काफी लोग प्रशंसा करते हैं। ओके। सुरेश कलमाड़ी। कांग्रेस बताएं। तेजस्वी यादव। मुझे लगता है उनके लिए कह सकते हैं कि लालू जी के वारिसदार होने के अलावा कोई गुण नहीं।
असदुद्दीन ओवैसी। निजामी मानसिकता और नए जिन्ना बनने का भरपूर प्रयास करने वाले व्यक्ति। ओके, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं इसलिए देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की दशा और दिशा बदलने वाला नेता। अजीत पवार। अजीत पवार जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने लीडर हैं, अपनी कम्युनिटी के, अपने और ग्रास रूट के बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट लीडर। शरद पवार। उनको हम लोग साहेब कहते हैं प्यार से, और साहेब जो है कभी कभी उनके दांव जो है वो सही नहीं होते। शरद पवार बीजेपी के साथ आ सकते हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, 2017 में 2019 में जब हमारी सरकार बन रही थी, या उस समय शिवसेना ने हमारे साथ लड़ा नहीं था साथ में, सॉरी 2017 की बात नहीं कर, 2019 की नहीं, सॉरी, इससे पहले की, जब हमें कुछ महीने तक शिवसेना ने सपोर्ट नहीं किया था, हमारी 100 से अधिक सीटें आई थी, तब एनसीपी ने ही हमें असेंबली में सपोर्ट किया था, और वो निर्णय शरद पवार जी का ही था। ओके। और वो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हित के लिए। आखिरी उद्धव ठाकरे। उद्धव जी असफल मुख्यमंत्री। असफल मुख्यमंत्री। ओके, वेल प्लेड, वेल प्लेड। बहुत कम आपने पास किए, कुछ मुश्किल सवाल भी थे। नहीं, पास क्यों करना है किसी। हाँ, नहीं, ठीक है, मैं समझ गया, और मन में वो बोल रहे हैं। Absolutely. असफल मुख्यमंत्री। वेरी वेल, महाराष्ट्र की जनता ही। वेरी वेल प्लेड। चलिए, वेरी इंप्रेस शहजाद। थैंक यू, थैंक यू। पहली बार आपसे इतनी डिटेल में मैंने बात की है, और मुझे यकीन है ये इंटरव्यू हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। मुझे भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।